नमस्ते, मैं हूँ स्नेहा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज बात करने वाली हूँ मैं एक ऐसे चीज़ की जिसका इंतज़ार मुझे पूरे एक साल से था कि मुझे ये लेना है लेना है लेना है, और फाइनली उसे मैंने ले लिया है। एंड सच बताऊँ मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा, क्योंकि इसके बिना ना मैंने सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब पर वीडियो डालूंगी ऐसे फ़ोन से। फ़ोन का मुझे उतना समझ में नहीं आता, मीन्स मुझसे होता ही नहीं है। तो मैंने सोचा था कि मुझे यही चाहिए, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगी। मैं बात कर रही हूँ इसके बारे में। ये कुछ नया नहीं है, मीन्स आजकल तो सबके पास ही है जो भी ब्लॉगिंग करता है। मुझे ये चाहिए था। तो मैंने लिया है कैनन पावरसॉट G7X Mark II। कुछ ऐसे बॉक्स में आता है, तो इसे ओपन करती हूँ मैं। सबसे पहले ये इसकी मैनुअल है, 5-6 लैंग्वेज में दे रखी है इन्होंने। एंड ये इसका वारंटी कार्ड है। देन चार्जिंग केबल, और इसके साथ हमें एक ना ये 16 GB का मेमोरी कार्ड भी दे रखा है इन्होंने इसके साथ। एंड ये इसका चार्जिंग एडाप्टर है, इसमें बैटरी लगा के हम चार्ज करेंगे। और ये है इसकी बैटरी। mAh की बैटरी है ये। एंड फिर इन्होंने ये छोटा सा ऐसा दे रखा है जिसे आप कैमरे में लगा के ना इसे अपने हाथ में फंसा सकते हो, जिससे कैमरा गिरे ना। ऐसे डोरी कह सकते हैं इसे, डोरी ये। एंड ये सब तो बकवास था, मेन है ये। ऐसे बॉक्स में दे रखा है इन्होंने कैमरे को, छोटू सा। तो मेन जो हमारा है वो है ये कैमरा। कैनन G7X Mark II। तो सब मैंने एक साइड कर दिया है, और इसमें हम बैटरी और मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करेंगे। ये जो डोरी है ना वो यहाँ पे लगती है, कुछ लोग लगाते हैं कुछ लोग नहीं लगाते हैं। यहाँ से यहाँ पे जो है कार्ड एंड बैटरी लिखा हुआ ना, यहाँ पे ओपन और लॉक के दो बटन है, तो इसको हम इधर प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। देन इसके अंदर हम बैटरी इंसर्ट करेंगे। और फिर उसके बाद हम इसमें ये चिप इंसर्ट कर रहे हैं, इसे प्रेस करेंगे और इसे ऐसे बंद करके हम यहाँ से लॉक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। देन इसका जो ऑन ऑफ बटन है वो ये है, ये ऐसे ओपन होता है। एंड सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगती है कि इसकी स्क्रीन है ना वो टिल्टेड स्क्रीन है, तो अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो या ब्लॉगिंग कर रहे हो तो इसे आप ऐसे करके खुद को देख भी सकते हो कि आप फोकस्ड है या नहीं है, क्या रिकॉर्ड कर रहे हो। इससे ना ये वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत ईजी हो जाती है। मैं बहुत ही वियर्ड लग रही हूँ, सॉरी। एंड फिर ये स्क्रीन ऐसे भी हो जाएगी, और ये जो है ये इसकी फ्लैश लाइट है, ऐसे आ जाता है।
और ये ऐसे मूव भी कर सकता है कि आप ना ऐसे लाइट की फोकसिंग वगैरह सब सही कर सकते हो। ये बहुत ही छोटू सा कैमरा है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये इस वजह से मैं इसे लेना चाहती थी। अभी हम इसको ऐसे बंद कर देंगे और यहाँ से ऑफ़ कर देंगे। और ये जो दिया है ना, ये इससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, एंड ये किट किट की आवाज़ नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप इसे ऐसे कर देंगे तो ये बहुत ही स्मूथ हो जाता है, फिर कोई आवाज़ नहीं आती है इसमें से। एंड ये इसके सारे फंक्शंस हैं। आई लव दिस वन। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे कैमरे हैं ब्लॉगिंग के लिए, बट मुझे यही पसंद है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।